जी बच्चों, अभी हम मैंने आपको कहा अधिकार अंतरण के कितने तत्व होते हैं, तीन तत्व होते हैं। तो नंबर वन अधिकार, नंबर टू उत्तरदायित्व और नंबर थ्री जवाबदेही। तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। परिभाषा लिख लीजिए, वन मार्कर क्वेश्चन में कई बार आ जाता है। तो अधिकार क्या है? वह वैधानिक शक्ति है। वैधानिक शक्ति को अंडरलाइन कर लीजिएगा। अधिकार वह वैधानिक शक्ति है जिसके माध्यम से एक अधिकारी अपने अधीनस्थों को आदेश निर्देश देता है, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने अंडर काम करने वाले लोगों को आदेश निर्देश देता है, और वो भी अपनी पावर की वजह से, अपनी पोजीशन, अपनी पोस्ट की वजह से। नंबर टू उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे कोई काम सौंपा गया है तो उसको पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, तो सौंपे गए कार्य को पूरा करने का कर्तव्य, कर्तव्य वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा, उत्तरदायित्व कहलाता है। नंबर थ्री कार्य पूरा हुआ या नहीं, काम हुआ या नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इस प्रश्न का उत्तर जवाबदेही कहलाता है। ये आपको याद रखना है। अगर टीचर मॉनिटर को अटेंडेंस लेने के लिए बोलता है तो वो उसको अटेंडेंस लेने का अधिकार प्रदान करता है, वो उसको रजिस्टर में लिखने का काम देता है, लेकिन काम सही हुआ या नहीं उस बात की जवाबदेही को वो अधीनस्थ को नहीं दे सकता। जवाबदेही किसके पास रहेगी? अधिकारी के ही पास रहेगी। तो अधिकार अंतरण में क्या करता है अधिकारी? अधिकार दे देता है, उत्तरदायित्व दे देता है। किसको दे देता है? अपने अधीनस्थ को। लेकिन जवाबदेही हमेशा किसके पास रहती है? अधिकारी के पास। ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज कर करके आपको ये सब चीज़ें नोट करनी है। मैं सोचना कि वीडियो इतनी फास्ट जा रही है तो हमने भी नहीं लिखना है, आपको वीडियो को पॉज करके लिखना है, बहुत ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अधिकार अंतरण का महत्व। क्यों ज़रूरी है किसी भी संगठन के लिए अधिकार अंतरण? क्यों ज़रूरी है बॉस को अपने सबॉर्डिनेट्स को काम देना? क्यों ज़रूरी है? अगर कभी संगठन में कोई बॉस किसी भी अपने कोई अधिकारी अपने अधीनस्थों को काम ही नहीं सौंपेगा तो अधिकारी का खुद सारा काम अधिकारी करता रहेगा, तो फिर सबॉर्डिनेट क्या करेगा, अधीनस्थ क्या करेगा? खाली बैठा रहेगा? संभव नहीं है। इसका मतलब एक संगठन को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकार अंतरण का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखो, कोई भी संगठन बिना अधिकार अंतरण के चल ही नहीं सकता। जब तक बॉस अपने अधीनस्थों को काम नहीं सौंपेगा तब तक वो संगठन चल ही नहीं सकता, उद्देश्य पूरे नहीं हो सकते संगठन के। चलिए अधिकार अंतरण के महत्व को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात है प्रभावी प्रबंध। सबसे पहला फायदा अधिकार अंतरण का किसको हुआ? सबसे पहला फायदा अधिकार अंतरण का हुआ बॉस को। किसको फायदा हुआ उसका? बॉस को। क्यों? क्योंकि बॉस ने क्या करा, अपना काम अपने अधीनस्थ को सौंप दिया। लेकिन ये भी याद रखो, वो अपना मुख्य कार्य नहीं सौंपता अपने अधीनस्थों को, वो क्या करता है, अपने रूटीन नेचर के कार्य अपने अधीनस्थों को सौंपता है, या कुछ गैर जरूरी कार्य अपने अधीनस्थों को सौंपता है। तो जब अधिकारी अपने दैनिक कार्य या गैर मुख्य कार्य अपने अधीनस्थों को सौंपता है तो ऐसा करने से क्या होता है, अधिकारी का समय बचता है, और जब उसका समय बचता है तो वो अपना ध्यान अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर लगा सकता है। आपको याद होगा प्रभावी प्रशासन हमने पहले भी इम्पोर्टेंस में पढ़ा है। तो जब अधिकारी अपने अधीनस्थों को काम सौंपता है तो उसका समय बचता है, वो और अपना ध्यान महत्वपूर्ण कार्यों पे लगा सकता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उसका प्रबंध प्रभावी हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, अब जब अधिकारी ने अधीनस्थ को वो काम सौंपा, अधीनस्थ को भी तो कुछ फायदा हुआ होगा उससे। अगर किसी अधीनस्थ को, सबॉर्डिनेट को बार बार कोई काम करने के लिए दिया जा रहा है तो क्या होता है, वो उस काम को करने में निपुण हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, तो उससे उसका भी विकास होता है। कैसे? उसे काम मिला, जब उसे काम मिला तो उसने उस काम को सीखा, जब उसने काम को सीखा तो उस काम को करने में निपुण हो गया, और आगे पदोन्नति के लिए, प्रमोशन लिखा है, पदोन्नति थोड़ा गंदा सा लिखा गया है, तो पदोन्नति के लिए भी वो आगे आ सकता है, काम आ सकता है। नेक्स्ट है कर्मचारी को प्रेरणा, मोटिवेट होता है कर्मचारी। आपने देखा होगा अगर किसी बच्चे को कोई काम दिया जा रहा है तो उस बच्चे को ही फील्स इम्पॉर्टेंट कि हाँ भी चलो इसका मतलब, अगर बोर्ड डेकोरेशन का उसको काम दिया जा रहा है क्लास में, रंगोली डेकोरेशन का काम दिया जा रहा है, कोई रजिस्टर मेंटेन करने का उसको विशेष काम दिया जा रहा है, तो उस बच्चे को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसको लगता है कि भाई हाँ मैं शायद इस लायक हूँ तभी मुझे ये काम दिया जा रहा है।
तो जब कर्मचारी को काम सौंपा जाता है तो ऐसा करने से उसमें विश्वास जगता है, उसको विश्वास मिलता है, उसका मनोबल ऊंचा होता है, मोटिवेट होता है, ही फील्स मोटिवेटेड। तो काम सौंपने से किस किस को फायदा हुआ? बॉस को फायदा हुआ, ये फायदा किसको है? बॉस को। ये फायदा किसको है? कर्मचारी को। और ये भी फायदा किसको है? कर्मचारी को। नेक्स्ट है विकास का सरलीकरण। विकास का सरलीकरण का मतलब क्या है? अब जो जैसे बॉस जो है अपने अधीनस्थों से काम करा रहा है, काम कर करके सीख रहे हैं, कल को उन्हें किसी हायर पोस्ट पे भी बिठाने की बात आए तो उन्होंने तो वो काम सीखा हुआ है, ज़्यादा ट्रेनिंग में भी समय नहीं लगेगा और वो आसानी से उस हायर पोस्ट के काम को संभाल लेंगे। तो अधीनस्थ को क्या होता है कि वो काम कर करके इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि कल को अगर प्रमोशन भी करना हो तो वो प्रमोशन के लिए भी तैयार है और आसानी से उस काम को कर सकता है, सीख सकता है, समझ सकता है। तो ये विकास के सरलीकरण का फायदा किसको होता है? संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है कि अरे हमारे तो संगठन आसानी से ग्रो कर सकते हैं, हमारे तो सारे कर्मचारियों को काम करना आता है। हमारा पांचवा पॉइंट है इसमें सोपान श्रृंखला का आधार। देखिए सोपान श्रृंखला के आधार का मतलब क्या है? हमने सोपान श्रृंखला जब हमने हेनरी फ्योल के सिद्धांत पढ़े थे तो वहां पर भी पढ़ा था, उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक के अधिकारियों की क्रमबद्ध श्रृंखला को सोपान श्रृंखला कहते हैं। ये बॉस बैठा है, बी जो है वो ए के अंडर काम कर रहा है, बी सबॉर्डिनेट ए बॉस, एम ए का बॉस है, ए बी का बॉस है, एम सी का बॉस है और सी जो है वो डी का बॉस है। तो अगर अधिकार अंतरण नहीं हो तो एम ए को काम कैसे सौंपेगा? अधिकार अंतरण की वजह से ही तो वो काम सौंप पा रहा है। ऐसे ही ए ने बी को कोई काम सौंपना है तो वो अधिकार अंतरण की वजह से ही सौंप पाता है। और अगर अधिकार अंतरण ना होता तो ये सोपान श्रृंखला का करते क्या? सब आके अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे रहते, कोई किसी से बातचीत ना करता। इसलिए सोपान श्रृंखला का आधार कैसे है? क्योंकि अधिकार अंतरण के कारण ही ये सब पॉसिबल है। अगर अधिकार अंतरण ना हो तो ए बी को काम नहीं सौंप सकता, सी डी को काम नहीं सौंप सकता। इसलिए अधिकार अंतरण जो है वो सोपान श्रृंखला के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट है समन्वय कोऑर्डिनेशन। कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे समन्वय होता है? सबको सबके अधिकार क्लियर हैं, अपने उत्तरदायित्व क्लियर हैं, जवाबदेही सबको क्लियर है, कोई काम की लीपापोती नहीं होती और क्लैरिटी होती है। जब सबको क्लैरिटी है तो कोऑर्डिनेशन अपने आप ही अच्छा होगा। चलिए अब अगली वीडियो में हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे।